ये है नथिया गली बाजार, ये सुबह के हसीन नजारे। यहाँ पर एक से एक होटल है। ये खैबर पख्तूनख्वा की हुआ है ना? बिल्कुल, ये जो केपी पुलिस का टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर है। हाँ। अगर आपके साथ यहाँ पर कोई मतलब फीमेल्स के साथ या किसी कोई बदतमीजी करता है या कोई मतलब परेशानी है तो ये वो जगह है जहाँ के आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ मतलब पूरी जो होते हैं, खैर वैसे तो सेफ है, यहाँ तो ऐसा कोई सीन नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर कोई सीन होता है तो यहाँ पर मतलब फुल टाइम यहाँ पर पुलिस होती है और जो आपको फुल फैसिलिटेट करती है और आपकी मतलब हर परेशानी को विद इन सेकेंड सॉल्व किया जाता है। देखें यहाँ पर ये सभी होटल्स हैं और मुख्तलिफ इनकी प्राइजेस हैं मतलब रूम्स का, और जो होते हैं मतलब आपको वन रूम चाहिए, टू रूम चाहिए, थ्री रूम चाहिए, आपको फुल एक अलग कॉटेज टाइप चाहिए तो वो उसकी फैसिलिटीज़ के हिसाब से होते हैं ये कि मतलब कौन से रूम की आपको कितने चार्जेस पड़े। सर्दी भी बहुत है, शार्प जो इनके कर्व्स हैं वो इनके बहुत यहाँ के जो रोड के कर्व्स बहुत शार्प हैं, यहाँ पर ज़रा आने में लोगों को बहुत है, लेकिन फिर भी जो टूरिस्ट हजरात में वो आते हैं, जैसे मुझे सामने नजर आ रहा है कि यहाँ पर अभी कुछ बाइकर्स आ रहे हैं तो अगर हम वो दिखा सकें तो आपको दिखा देंगे। जो टूरिस्ट होते हैं, जो बाइकर्स होते हैं, उनके लिए स्पेशली बाइकर्स के लिए बहुत अच्छा ट्रैक है। दोस्तों बिल्कुल आपके सामने एक खूबसूरत एक दिलकश फरेब नज़ारा, मतलब आप ये सोचें कि मतलब दुनिया में इतनी खूबसूरती है तो फिर जन्नत कैसी होगी, आप इस चीज़ का तसव्वुर करें। लेकिन ये है कि आज वैसे तो धूप निकली हुई है और मौसम भी बिल्कुल साफ है, लेकिन ये जो हल्की और ठंडी हवा चल रही है ना तो वो मतलब बहुत हालत ख़राब करी है। खैर हमने खुद को कवर रखी है, लेकिन जैसी बात है ग्लव्स वगैरह कुछ नहीं पहने तो वो उसके वजह से थोड़े बढ़िया। और अगर आपको आपके पास अगर फॉर एग्जाम्पल कन्विंस नहीं है तो आपके लिए इस तरह की उसको क्या कहते हैं, कैरी डबस, कैरी डबस नहीं, नॉट कैरी डबस, प्लैंक कोच, छोटी वाली यार, ये कैरी डब्बा है, ये कैरी डब्बा इसकी बता रही हूँ, और वो है प्लेन कोच। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं यहाँ की डिफरेंट प्लेसेस, जैसे अयूबिया हो गया, लोकल ट्रांसपोर्ट, लोकल ट्रांसपोर्ट आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ भी काफ़ी ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ आप बाई वॉक नहीं जा सकते, तो आपको डेफिनेटली कन्विंस, अब बंदे से बंदे आधे रास्ते जाएँ और फिर बैठ जाएँ। यहाँ पर है वही एक है यहाँ पर जो फेमस है, फेमस यहाँ पर है एक मशहूरी टॉप, ठीक है, मशहूरी टॉप पर जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक है नथिया गली से है, दूसरा है डूमर गली से। लेकिन मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा, मैं आपको कहूँगा कि आप जाएँ तो ये नथिया गली वाले रास्ते से आप चले जाएँ। नथिया गली वाले रास्ते से जब आप जाएंगे तो उसका ये होगा फ़ायदा कि आपको रास्ते में लालाजार ट्रैक मिलेगा देखने के लिए, वो एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है। अभी हम खासकर बातें नहीं करते हैं, खासकर अपने व्यूअर्स को हम ये बाज़ार भी दिखाते हैं। तो जो हम अपनी रफ़ ज़बान में कह लेंगे जो थे ना वो यंगस्टर्स
लड़के बॉयज या लोंडे ना पारे। तो जब लोंडे ना बड़ी ऊपर जाए दिनों में नहीं, लेकिन जब आप समर से जाते हैं तो आप वहाँ जाके कैंपिंग जरूर करें, वहाँ आप बॉनफायर कर सकते हैं, वहाँ आप जाके बारबेक्यू कर सकते हैं। तो एक होगी मशपूरी टॉप, और आगे हम आपको दूसरी अट्रैक्शन बताते हैं कि वहाँ पर दूसरी अट्रैक्शन कौन कौन। फिर जो यहाँ पर जो दूसरी अट्रैक्शन है, दूसरी अट्रैक्शन में अभी यहाँ पर रिसेंटली इनोग्रेशन से किए हैं पीटीके गवर्नमेंट ने, पीटीआई गवर्नमेंट ने, तो वो है समुंदर कट्ठा। समुंदर कट्ठा खैर अभी हम गए नहीं हैं, उनमें ऐसी मालूम करूँ कि उसके रोड क्लियर हैं या उसके रोड स्नोफॉल की वजह से बंद हैं। समुंदर कट्ठा जो है वो उसकी इनोग्रेशन हुई है 2018 में, और वो एक आर्टिफिशियल लेक बनी है जो गवर्नमेंट ने बनाई है। तो वो एक टूरिस्ट स्पॉट है, और वो टूरिस्ट स्पॉट कहाँ पर है, वो जब आप नथिंग से निकलेंगे तो आप जाएंगे बाड़ागरी की तरफ, जो यहाँ से 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो जब वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर एक दूसरा सर्टन हुआ होगा, तो वहाँ पर जब आप चले जाएंगे तो आप खैर किसी से पूछ भी लेते हैं, अगर आप मैप भी ऑन कर लेते हैं गूगल मैप पर, जब ये से पूछ तो आपको भी रास्ता आपके लिए सीधा कर देंगे। वहाँ जाने के बाद ये होगा कि आपको एक खूबसूरत नज़ारा मिलेगा। ये मैंने आपको बता दिया सेकंड स्पॉट। थर्ड स्पॉट जो यहाँ पर है, थर्ड स्पॉट यहाँ पर जब हम ऊपर जब ऊपर अपर नचने के लिए वहाँ से रास्ता किया हुआ है, कौन सा, मीरनजानी टॉप। मीरनजानी जो है वो है एक्चुअली एक टॉप है, ये गलियात का सेकेंड हाइएस्ट टॉप। तो यहाँ पर देखें आपको पीनट्स मिल जाएंगी, वॉलनट आपको मिल जाएंगे, अखरोट, मूंगफली, और ये देखें चने हो गए, ये कुछ नींबू वगैरह हो गई, बादाम देखें, अलग अलग वेराइटीज़ हैं। तो ये देखें एक ये वेराइटी है, इसे मेरे ख्याल से कागजी बादाम बोलते हैं, और ये देखें ये दूसरा बादाम सफ़ेद टाइप का, ये एक्चुअल पता नहीं क्या पसंद, ये क्या चीज़ है, अब ये पता नहीं क्या, मतलब बस खाने से मतलब रखते हैं, मेरा तो आज तक नाम ही पता नहीं चला कि क्या क्या है। देखें ये मेवा हो गया, और शहतूत हो गए, ठीक है ये देखें, ये जो बादाम है देखें ये हम बिल्कुल छील के रखा हुआ है, और ये भाई से मुझे शॉपकीपर्स और शायद वीडियो मैंने नहीं चाहिए, तो मैंने कह रहा वीडियो शूट कर ली और बाकी आप मुझे छोड़ें, ठीक है। तो ये देखें ये पता नहीं क्या चीज़ है, और देखिए क्या नंबर जो बिल्कुल आपको कहते हैं ना कि सिर्फ पैकेट खरीदो और वन सा पैकेट खोलो खाओ। ये काजू देखें आप, कितना खूबसूरत काजू पड़ा हुआ, देखें इसमें अखरोट भी छील के पड़ा है, डेकोरेशन देखो जस्ट, इन्होंने देखें अपनी दुकान का बहुत अच्छा इन्होंने डेकोरेट किया है, देखें बिल्कुल सामने आप बिल्कुल शीशे के अंदर इन्होंने उसको डिस्प्ले किया है। तो ये मुझे इनकी बात अच्छी लगी इस शॉप में कि इनकी ये जो शॉप है अच्छी वेल डेकोरेट, और शॉप का नाम है हुंजा कोहिस्तान ड्राई फ्रूट ट्रेडर। और यहाँ पर आप देखें ये सूखी खुबानी, ठीक है, लेकिन कितना खूबसूरत इसका कलर आप चेक करें, कितना खूबसूरत इसका कलर है, मुझे अभी तक जलगोज ही नजर नहीं आया जब बहुत ही लाइक नायाब है। नायाब तो खैर नहीं है, वो भी आएंगे बाद जरूर, लेकिन मुझे नजर नहीं, ये बॉक्स देखें, बॉक्स कितना प्यारा है इन्होंने, सिर्फ उसी डेक देखें हुंजा कोहिस्तान ड्राई फ्रूट, तो ये बॉक्स कितना खूबसूरत है। ये देखें ये रेवड़ी के पास भी है, ये मिल गया जल गोजा जो आपने कहा था, बहुत ही साइड पे उन्हें रखा है इन्होंने, ये बहुत पाकिस्तान में एक इसको बहुत कदर की निगाह से देखा जाता है पाकिस्तान में, क्योंकि एक्सपेंसिव फूड है फूड है। मुझे जो एक अच्छा मुझे साइन और एक साइन बोर्ड मुझे नजर आया है, वो देखें ये बोर्ड मुझे नजर आया है
जो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर इंस्टॉल है। सिंगल ट्री प्रोवाइड्स ऑक्सीजन फॉर अप टू 10 पीपल। बताने के लिए शुक्रिया खुशी। मैंने कहा आपको अपने अंदाज में बता दूं। ये एक अच्छा मैसेज है कि आप ट्रीज को प्लांट करें। इससे ये है कि देखें ऑक्सीजन, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग का इशू है उसके लिए ट्रीज का होना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे ये एशियन कंट्रीज में वो बढ़ रही है ये गर्मी वगैरह, तो इसके लिए हमें चाहिए कि ज़रा से ज़रा हम ट्रीज का इनिशिएटिव लें और जो ट्रीज हैं उनको कट ना करें और ज़्यादा से ट्रीज को प्लांट करें। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप नचिकरिया के क्या क्या कर सकते हैं, उसमें था एक मशहूरी टॉप था, दूसरा उसमें था ये समुंदर कट्ठा देखा, और तीसरा जो उसमें मैंने आपको बताया था मीरनजानी। तो ये जो है मीरनजानी, ये आई थिंक ये सेकेंड हाईएस्ट चोटी है गलियात, लेकिन आप मीरनजानी में हैं तो मीरनजानी भी एक ट्रैक है। अपनी फैमिली के साथ मीरनजानी पर आप फैमिली के साथ हों जो हाइकिंग कर सकते हैं, और जो फैमिली के अलावा नहीं आ सकते हैं, फैमिली के अलावा भी आप आ सकते हैं हमारे दोस्तों के साथ, लेकिन वो एक ट्रैक है। तो ट्रैक पर अक्सर लोग ये होते हैं कि वो दो कदम चल कर हम चलते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं मैं थक जाऊंगा वहाँ चलते हुए, तो ये मेरी बात नहीं मान रहे हैं। उसमें ये होता है कि आप भाई अगर आप उसमें ट्रैकिंग कर सकते हैं तो तभी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जाएँ, लेकिन अगर आप गलियात आते हैं तो उसके लिए आपको ट्रैकिंग करनी चाहिए। लेकिन और दूसरे जो इसके फोर्थ इसका जो अट्रैक्शन है वो यहाँ पर है निर्मला वाटरफॉल, तो भी बहुत ही खूबसूरत जगह, वहाँ वाटरफॉल है, तो वहाँ पर अपनी फैमिली से आप जाके इंजॉय कर सकते हैं। वहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं, खाना पीना कर सकते हैं, और अगर आप आपके साथ अपने साथ अगर आप बारबेक्यू का स्टफ लें, चिकन बारबेक्यू हो या मीट बारबेक्यू हो, तो वो भी आप अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर देखें दरियात एक आता है इंसान रिफ्रेशमेंट के लिए, फ्रेश होने के लिए, तो आपको यहाँ पर आना चाहिए, तो आप मैं लगा अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। और खुशी आप कुछ जिस तरह ये गाड़ियाँ तेज आ रही है, मुझे लगता है हमारा कैमरामैन उड़ जाएगा क्योंकि ये रोड के बीच में खड़ी है, देखिए जैसे तेजी से आ रही है गाड़ी। अल्लाह ना करे कि हमारा ये जो कैमरा गल है ये उड़े, कैमरामैन नहीं, तो हमें इस कैमरा गल की सख्त और अच्छा जरूरत है, क्योंकि ये नहीं होगी तो हमारे ब्लॉग्स कौन शूट करेगा। कदर करो मेरी, कदर करो, चलें हम आप एक चीज का आप जरूर ख्याल रखें, अपने थिंगली आते हैं आपको यहाँ इंसानों के साथ साथ चीते मीते मिल सकते हैं, हर किस्म के भेड़िए मिल सकते हैं, बड़े जानवर मिल सकते हैं। अभी क्यों आपको किसी जानवर के साथ पाला पड़ा है आपका? मेरा पड़ा होगा जानवर के साथ पाला पड़ा है, लेकिन यहाँ वाकई चीते वीते हैं, यहाँ हर चीज जानवर अगर आपको बताएंगे कि इन्होंने अभी तक यहाँ पर कौन सा चीता देख लिया और कौन सा। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं एक शेर हूँ, तो यहाँ पर आप घर के शेर हो सकते हैं, बाहर के नहीं। नहीं, मैं बाहर का भी शेर हूँ, मैं घर का भी शेर हूँ, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो वाइल्ड लाइफ यहाँ पर है। ये देखें दोस्तों यहाँ पर बर्फ जमी हुई है, और किसी ने अपने किसका नाम है ये महबूबा, महबूबा किसी का नाम नहीं, किसी ने बस कुछ करने की कोशिश की हुई है, पता नहीं क्या, तो ही समथिंग, ऐसे मेरे ख्याल से तो ही। यहाँ काफी आशिक आकर अपनी महबूबाएं का, तो महबूब का आप किसी का नाम लिखना चाहेंगे? मैं अपने पेज का नाम लिखूंगी, लेकिन वो अपने होटल के पास जो हूँ, मैं यहाँ किसी का नाम लिखना नहीं चाहता। अगर उन्होंने नाम लिखना स्टार्ट कर दिए तो शायद यहाँ जगह कम पड़ जाएगी। नहीं, मेरे असल में मेरे व्यूअर्स बहुत हैं, चाहने वाले बहुत हैं, तो ऐसी बात आपका, हम कितने अपने चाहने वालों का नाम लिखेंगे। वो अपने आप पे नहीं है, वो अपने आप खो चुकी है। ये देखें बर्फ बिल्कुल इतनी सर पे।